रोल्स रॉयस कलिनन का प्राइस है 10 करोड़ रुपए का, तो इसलिए टोयोटा ने उसका सस्ता अल्टरनेटिव लॉन्च कर दिया अपनी सेंचुरी एसयूवी, उससे 1/7 प्राइस में। और इस गाड़ी में आपको 2 डिफरेंट टाइप के दरवाजे मिलते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीनें मिलती है और इसका प्राइस भी कुछ ज्यादा ही सस्ता है, जिसमें अगर आप इस गाड़ी के लुक्स में आते हैं तो लुक्स आपको काफी कुछ सेंचुरी वाली मिलती है और थोड़ी बहुत कॉपीड भी मिलती है रोल्स रॉयस से और बाकी चाइनीज गाड़ियों से। इसमें अगर आप सामने देखें तो इस गाड़ी में आपको हेडलाइट्स मिलती है डुअल पार्ट वाली, जो कि ऐसे 2 लंबे लंबे बार से है और दोनों में आपको 2 LEDs मिलती है, तो टोटल इस गाड़ी में आपको 4 LED फंक्शन मिलता है एक सिंगल हेडलाइट में। और ये जो डिजाइन लैंग्वेज है काफी कुछ सिमिलर है जैसे आपको जेनेसिस की कार्स में मिलती है, जो कि ह्यूंडई का ऐसे लग्जरी वाला डिवीजन है, तो वही से कॉपी कर लिया का भाई। साथ ही में अगर आप देखें सामने आपको बड़ी सी ग्रिल मिलती है एकदम स्क्वायर डॉग, जिसमें आपको बीच में फिनिक्स वाला लोगो मिलता है जो कि सेंचुरी के लिए लोगो बनाया है स्पेसिफिकली, और जो ग्रिल है ऐसे भाई कवर्ड सी ऊपर क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड है। साथ ही में जो उसका बंपर है उसमें आपको नीचे थोड़ी स्पोर्टी फील मिलती है, आपको 3 बड़े बड़े एयर इनटेक मिलते हैं और आपको कोई भी फॉग लैम्प नहीं मिलता। और साथ ही में इस गाड़ी को आप डुअल टोन थीम में भी ले सकते हैं, जिसमें इस गाड़ी का जो ऊपर वाली बॉडी है उसका डिफरेंट कलर होगा और नीचे वाली बॉडी का डिफरेंट कलर। जिसका बोनेट है उसमें आपको ऐसे बढ़िया बढ़िया एकदम स्ट्रेट लुक्स मिलती है और आपको क्रीसेस मिलती है जो कि ऐसे पीछे तक जा रही है, काफी कूल लग रही है। साइड में अगर आप देखें तो काफी कुछ इस गाड़ी में आपको जो रोल्स रॉयस कलिनन है वैसी लुक्स मिलती है, जिसमें आपको 22 इंच के एक तो अलॉयज मिलते हैं मल्टी स्पोक वाले, काफी ऐसे कूल लगती है, जिसमें बीच में आपको फिनिक्स वाला लोगो मिलता है। और अगर आप देखें जो इसकी पूरी साइड की लुक है उसमें आपको नीचे डिफरेंट कलर मिलता है, जैसे जो दरवाजे है उसके नीचे आपको मोटी सी पट्टी मिलती है जो कि ग्रेश कलर की है, क्योंकि ये गाड़ी डुअल टोन थीम वाली है तो इसलिए ऐसी इसमें थीम आपको मिल रही है। साथ ही में जो इसके दरवाजे आपको बड़े बड़े मिलते हैं एकदम स्ट्रेट से, और जो इसके पीछे वाला दरवाजा है ज्यादा लंबा है एज कम्पेयर टू सामने वाला दरवाजा, और जो पीछे वाला दरवाजा है उसके पीछे आपको काफी बड़ा एक क्वार्टर ग्लास मिलता है जैसे रोल्स रॉयस कलिनन में आता है, तो भाई वैसी लुक्स कॉपी कर ली। जो इसका डी पिलर है वो भी ऐसे स्लैंडिंग वाला है, काफी कुछ सिमिलर है रोल्स रॉयस कलिनन से। और साथ ही में अगर आप इसके पीछे देखें तो इस पीछे भी आपको वैसी ही डुअल स्प्लिट वाली ऐसे लंबी लंबी टेलर्स मिलती है, जो कि 2 डिफरेंट ऐसे हॉरिजॉन्टल बार्स है जो कि एग्जैक्टली सेम है जैसे जेनेसिस की कार्स में आता है। साथ ही में आपको सेंचुरी का बैच मिलता है इसके पीछे और आपको फिनिक्स वाला लोगो मिलता है, और पीछे भी आपको जो बंपर है उसमें वही डुअल टोन थीम मिलती है। और एक इस गाड़ी में आपको लाइन मिलती है क्रोम लाइन, जो कि ऐसे सामने जो इसका बोनेट है वहां से चलते हुए आ रही है और पूरी छत से कर्व होके इसके पीछे तक आ रही है, काफी ज्यादा कूल लग रही है। पर वैसे अगर आप देखें तो ये गाड़ी ऐसे थोड़ी छोटी लग रही होगी आपको, मुझे ऐसे इनिशियली छोटी लगी, पर ये गाड़ी का डायमेंशन कुछ ज्यादा ही ऐसे बड़े से है, जिसमें इस गाड़ी की लेंथ 5.2 मीटर की है, इसकी वेथ ऑलमोस्ट 2 मीटर की है और इसका व्हील बेस 3 मीटर का है, और जो कि कुछ ज्यादा बड़ा है और ऑलमोस्ट रोल्स रॉयस कलिनन है उसके आसपास का है, तो भाई काफी बड़ी विशाल का एसयूवी है। पर इस गाड़ी में जो इंजन है काफी छोटा दे दिया, जिसमें आपको पता होगा कि जो सेंचुरी है उसमें आपको V12 का ऑप्शन मिलता था पहले, फिर उसमें V8 डाल दिया, तो भाई एक्सपेक्टेड है ना कि जो सेंचुरी एसयूवी है उसमें भी V8 तो आ ही जाएगा, चलो भाई थोड़ी लग्जरी फील लेने के लिए। टोयोटा ने डाल दिया भाई इसमें 3.5 लीटर का हाइब्रिड V6 इंजन। अरे यार ये वही वाला इंजन है अगर आपको नहीं पता जो हाईलैंडर में आता है अमेरिका में, तो वही वाली पावर ट्रेन डाल दी। यार हमें ऐसे क्यों करते हो टोयोटा यार, कितनी गंदी मैनेजमेंट करी है इस गाड़ी में। हाँ भाई उनका सेंचुरी वाला ब्रांड नेम है V6 और इसमें हमको 400 हॉर्स पावर मिलती है, और जिसमें आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है उससे आप 69 किलोमीटर सिर्फ बैटरी पे चला सकते हैं इस गाड़ी को, और बाकी आपको तगड़ी अराउंड 25-30 की एवरेज मिल सकती है इस गाड़ी में अगर आप बढ़िया स्मूथली चलाते हैं। पर जो इस गाड़ी में आपको रियल अपग्रेड मिलता है इसके इंटीरियर में, जिसमें अगर आप इंटीरियर में आते हैं तो आपको नॉर्मल क्या है पीछे से या आगे से दरवाजा खोलना पड़ेगा, पर जनरली आपको हर एक गाड़ी में एक ही टाइप का दरवाजा खोलने को मिलता है, मतलब ऐसे भाई दरवाजा खोल लो ऐसे, मतलब बटन दबा के होता है ना ऐसे। पर दोस्तों इस गाड़ी में थोड़ा दिमाग लगा लिया टोयोटा वालों ने, इस गाड़ी में आपको 2 डिफरेंट तरीके मिलते हैं इसके पीछे वाले दरवाजे खोलने को, जिसमें एक तो आपको मिलता है कि आप नॉर्मली ऐसे दरवाजा खोलोगे और जो दरवाजा ऐसे 75 डिग्री पे खुल जाएगा ताकि जो इंग्रेस है और आउटग्रेस है काफी आसान रहे, और जैसे आप दरवाजे खोलेंगे तो ऐसे नीचे काफी बड़ा सा एक फुटरेस निकल के आता है जिससे कंफर्ट काफी बढ़ता है। पर ये अगर आपको थोड़ा बोरिंग लगता है तो इस गाड़ी में आपको स्लाइडिंग डोर्स वाला ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें आप एक बटन दबाएंगे तो जो इस गाड़ी के पीछे वाले दरवाजे ऐसे पीछे ऐसे मूव कर जाएंगे, स्लाइड कर, कितने ज्यादा कूल है। और जो दोनों डोर्स है स्लाइडिंग वाले और नॉर्मल वाले, उनमें आपको कोई भी ऐसे लुक्स में डिफरेंस नहीं मिलता, सामने से बाहर से आप कह ही नहीं सकते भाई कौन सी गाड़ी कौन सी है भाई। पर मैं कौन सा लूंगा, मैं तो भाई ऐसे स्लाइडिंग वाले लूंगा भाई, वो ज्यादा कूल है, आप बताना कौन सा लोगे। पर बाकी दरवाजा खोल के तो इस गाड़ी के अंदर ही जाना है। अगर आप इसके अंदर आते हैं तो जिसका इंटीरियर है आपको थोड़ा चाइनीज कार वाला मिलता है, जिसमें अगर आप डैशबोर्ड देखें तो उसमें आपको ऐसे मल्टी लेयर इफेक्ट मिलता है, जिसमें आपको एक 10 इंच की ऐसे हॉरिजॉन्टल स्क्रीन मिलती है। साथ ही में आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है पूरा ऐसे डिजिटल वाला मिलता है, जिसका स्टीयरिंग व्हील ऐसे फोर्स वाला आता है, जिसमें आपको बीच में फिनिक्स वाला लोगो मिलता है। साइड में आपको प्लास्टिक के बटन मिलते हैं, भाई कितना बेकार है। जिसका सेंटर कंसोल है काफी चौड़ा सा है, जिसमें आपको ऐसे बटन्स मिलते हैं इसके सारे ऐसे ड्राई मोड्स वगैरह वाले। साथ ही में आपको गियर लीवर मिलता है प्लास्टिक का, वो भी भाई कुछ ज्यादा खास नहीं। जो सामने की सीट है उसमें आपको बढ़िया से क्वेल्टिंग मिलती है, आपको बढ़िया परफोरेशन मिलती है काफी कूल सी। साथ ही में जो साइड के दरवाजे हैं वो भाई काफी ऐसे लेदर वेदर वाले हैं, जिसमें आपको ऐसे प्लास्टिक के सारे विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं, थोड़े खराब ही है। और पीछे अगर आप आए तो इस गाड़ी में आपको रियल लग्जरी मिलती है, जिसमें आपको 2
कैप्टन सीट्स मिलती है, बीच में आपको बड़ा सा ऐसा डिवाइडर मिलता है जिसमें अगर आपको अपने दो फोन को चार्ज करना है आप कर सकते हैं, और उसके सामने आपको एक ऐसे बड़ा सा पिलर टाइप मिलता है जिसमें ऐसे क्लॉक आती है इसकी और थोड़े बहुत ऐसे कंट्रोल्स वगैरह आते हैं। जिसके पीछे वाली सीट है आप पूरी ऐसे रिक्लाइन कर सकते हैं, प्रॉपर ऐसे मजे ले सकते हैं लेट के, और साथ ही में आपको दो इसमें पीछे स्क्रीन मिलती है जो कि ऐसे मूव करती है, काफी और कूल लगती है। और जो इसकी को ड्राइवर वाली सीट के पीछे वाली सीट है उसमें आपको ऐसे जो स्क्रीन है वो ऐसे पूरी टिल्ट हो जाती है अगर आप जो सीट है उसको रिक्लाइन करते हैं। साथ ही में आपको ऐसे बढ़िया रेफ्रिजरेटर मिलता है जिसमें अगर आपको ऐसा कुछ ठंडा वंडा करना कर सकते हैं। छत में आपको बड़ी वाली सनरूफ मिलती है और पीछे भाई बढ़िया स्पेस आपको मिलने वाली है। पर एक इस गाड़ी में दिक्कत है कि जो इसकी पीछे वाली सीट है उनके आगे आपको कोई भी इसका फुटरेस्ट नहीं मिलता, तो भाई थोड़ी कम लग्जरी हो गई। और साथ ही में पीछे वाली खिड़कियों में इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक शीशे मिलते हैं जो कि ऐसे ब्लर होते हैं अगर आप ऐसे बटन दबाएंगे, जो कि मेरे ख्याल से काफी कूल चीज है, शायद किसी और गाड़ी में आपको मिले। मेबैक में आपको मिलते हैं पहली वाली 62S में और इस गाड़ी में आपको मिल रहे हैं, सही है मेरे ख्याल से। इसका प्राइस है 25 मिलियन जापानीज येन का, तो अगर आप इंडिया में कन्वर्ट करें तो 1.4 करोड़ का इस गाड़ी का प्राइस है, जो कि मेरे ख्याल से काफी डिसेंटली वैल्यू फॉर मनी है। पर अगर आप देखें जो लेक्सस है उनकी कार्स में आपको ज्यादा बड़ी लग्जरी मिल जाती है एज कम्पेयर टू ये गाड़ी, और ये गाड़ी काफी चाइनीज ऑल्टरनेटिव लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि एक टोयोटा की प्रॉपरली बिल्ड गाड़ी है, ऐसा लग रहा है चाइनीज गाड़ी है वो भाई ऐसी गाड़ियां बनाते हैं। पर देखो भाई क्या होता है इस गाड़ी का, इस गाड़ी की बेस वॉल्यूम अराउंड 30 यूनिट्स पर मंथ की है जापान में, अभी फिलहाल जापान में ही ये गाड़ी आई है। उसके आगे फिर आपको ऐसे पूरा ऑर्डर वॉर्डर लगाना पड़ेगा और अगले महीने आपको गाड़ी मिलने वाली है। तो ये था भाई आज की सेंचुरी के बारे में, आप बताना भाई आपको कैसी लगी गाड़ी, मुझे पसंद नहीं आई। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।